हेलो एंड वेलकम टू एमबीटीवी, जहां आपको मिलती है रियल एस्टेट से जुड़ी सारी जानकारी। मैं हूं आपकी होस्ट शिप्रा और आज हम प्रोजेक्ट रिव्यू करने आए हैं पुणे के बनेर में बन रहे एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट कल्पतरु जेड स्काईलाइन का। कल्पतरु जेड स्काईलाइन को डेवलप कर रहे हैं कल्पतरु लिमिटेड, जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एक काफी रेप्यूटेड ब्रांड है। डेवलपर के बारे में डिटेल में जानेंगे, लेकिन उसके पहले एमबीटीवी को सब्सक्राइब करना ना भूले। कल्पतरु लिमिटेड की शुरुआत 1969 में हुई थी। कल्पतरु लिमिटेड ने पूरे इंडिया में लगभग 23 मिलियन स्क्वायर फीट से ज्यादा एरिया में अपने प्रोजेक्ट्स डेवलप किए हैं। फिलहाल कल्पतरु लिमिटेड के 9 से ज्यादा शहरों में प्रोजेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं। ये था डेवलपर के बारे में। अब जानते हैं प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशंस। कल्पतरु जेड स्काईलाइन तकरीबन 2 एकड़ में बन रहा एक लैविश रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। यहाँ पर 21 स्टोरीज के 5 विंग्स हैं और टोटल 465 यूनिट्स हैं। रेसिडेंट्स को यहाँ 2136 कवर्ड पार्किंग स्पॉट्स मिलेंगे। रेरा के मुताबिक इस प्रोजेक्ट की पोजीशन डेट दिसंबर 2026 है। अब अगर प्रोजेक्ट का मास्टर प्लान देखें, तो विंग 1 और 2 आपके एंट्री और एग्जिट पॉइंट के करीब हैं, और उसके साथ ही आपके विंग 4 और 5 क्लब हाउसेज और एमिनिटीज के। पांचों विंग्स आपके सेम साइड पर हैं और क्लब हाउसेस और एमिनिटीज 12 मीटर वाइड रोड को क्रॉस करके बनाई गई है। पार्किंग की बात करें तो आपको 7 लेवल मिल रही है, 3 बेसमेंट और 4 पोडियम लेवल, जिसके बाद आपके रेजिडेंशियल फ्लोर स्टार्ट होते हैं गोइंग अप टिल 21st फ्लोर। तो कह सकते हैं जो फर्स्ट फ्लोर होगा आपका रेजिडेंशियल का, उसको आपकी 5th फ्लोर की हाइट मिल रही है। अब अगर एमिनिटीज की बात करते हैं तो वो आपको मिल रहा है एक ग्राउंड लेवल पर, फिर आपको मिल रहा है 21st फ्लोर पर, और फिर उसके बाद आपको मिल रही है रूफ टॉप एमिनिटीज। 21st फ्लोर आपके पांचों विंग्स को कनेक्ट कर रहा है। अब आप ये गैप्स देख रहे हैं, तो 2 टावर्स के बीच में आपके गैप्स रखे गए हैं, जिससे सभी टावर्स में अच्छे से वेंटिलेशन बने रहे। हर फ्लोर पर 4 यूनिट्स, 3 लिफ्ट्स और 2 स्टेयरकेसेस हैं। फ्लैट्स की एंट्रेंस एक दूसरे को फेस करते हुए है, जो कुछ लोगों के लिए प्राइवेसी इशू हो सकता है। ये है 1187 स्क्वायर फीट कार्पेट एरिया 3 BHK सैंपल फ्लैट। एंटर करते ही है सबसे पहले किचन, जिससे अटैच्ड है ड्राई बालकनी। फिर आती है एंट्रेंस लॉबी, जो ओपन होती है आपके लिविंग और डाइनिंग एरिया में। आप यहाँ पे 6 सीटर डाइनिंग टेबल लगा देंगे, उसके बाद भी आपको स्पेस दिख रही है। लिविंग रूम से अटैच्ड है आपकी एक ह्यूज बालकनी। सबसे पहले है आपका गेस्ट बेडरूम। अब दूसरी तरफ आपके बाकी 2 बेडरूम्स हैं। सबसे पहले है आपका किड्स बेडरूम। किड्स बेडरूम और गेस्ट बेडरूम दोनों में ही ऑलमोस्ट हाफ साइज विंडोज मिल रही हैं। फिर उसी के सामने है आपका कॉमन वॉशरूम, जिसके बाद है आपका मास्टर बेडरूम। ये है आपका मास्टर बेडरूम, इसमें आपको मिल रही है एक अटैच्ड बालकनी। जैसे कि आपने लेआउट में देखा, यहाँ आपको थोड़े पैसेज एरियाज मिल रहे हैं, जो थोड़ा सा कभी कभी स्पेस की वेस्टेड भी माना जाता है। नेस्टल्ड अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ बानेर हिल्स, दिस प्रोजेक्ट ऑफर्स अनइंटरप्टेड व्यूज ऑफ बानेर बायोडायवर्सिटी पार्क। सेरीन सराउंडिंग्स के साथ ही कल्पतरु जेड स्काईलाइन में आपको मिलते हैं 2 क्लब हाउसेस और कई एमिनिटीज, जो आपकी रोजमर्रा की लाइफ को और कम्फर्टेबल बनाएगी। कुछ यूनिक एमिनिटीज की लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब देखते हैं कि कल्पतरु जेड स्काईलाइन में ये सभी फैसिलिटीज आपको किस प्राइस पर मिल रही हैं। प्राइसिंग की डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। साथ ही आपको इस लोकेलिटी का प्रेजेंट प्राइसिंग का भी अंदाजा लग जाएगा।
फाइनली इस एरिया में कंपटीशन को समझने के लिए हम सुप्रीम एल्स्टिया फेज 1 प्रोजेक्ट की डिटेल्स भी आपको दिखा रहे हैं, जिसमें सिमिलर कॉन्फ़िगरेशंस और कार्पेट साइज थोड़े कॉम्पिटिटिव प्राइस में मिल रहा है। कल्पतरु जेड स्काईलाइन लोकेटेड है पुणे के बनेर एरिया में। इस प्रोजेक्ट की हाईलाइट है इसकी कनेक्टिविटी टू द मेजर रोड्स। ये प्रोजेक्ट जेड हिल्स रोड और मुंबई बैंगलोर हाईवे से वेल कनेक्टेड है। यहाँ आपको हर तरह का ट्रांसपोर्टेशन आसानी से मिल जाएगा। आउटस्टेशन ट्रैवल करने के लिए पुणे रेलवे स्टेशन तकरीबन 13 किलोमीटर और पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट साइट से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर है। बानेर को रेजिडेंशियल कम कमर्शियल लोकेलिटी माना जाता है, जिस वजह से ये पुणे के पॉश एरियाज में आता है। कल्पतरु जेट स्काईलाइन के पास आपको द ऑर्चर्ड स्कूल, सीएम इंटरनेशनल स्कूल, सिम्बाइसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी सभी 8 किलोमीटर के रेडियस में मिल जाएंगे। हेल्थ केयर फैसिलिटीज देखें तो आपको 7 किलोमीटर के रेडियस में 5 छोटे बड़े हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे। शॉपिंग के लिए फीनिक्स मॉल ऑफ द मिलेनियम, वेस्ट एंड मॉल काफी नजदीक है और रोजमर्रा का सामान लेने के लिए डी मार्ट, रिलायंस मार्ट और नेचर्स बास्केट सभी 4 किलोमीटर के रेडियस में है। बानेर में कई एम्प्लॉयमेंट हब्स हैं, जैसे पंचशील बिजनेस पार्क, अमर बिजनेस पार्क, स्मार्ट वर्क्स एम एजाइल जो प्रोजेक्ट साइट के काफी नजदीक है और राजीव गांधी इंफोटेक पार्क साइट से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर है। साथ ही 2026 तक प्रोजेक्ट से सिर्फ 400 मीटर दूर एक कमर्शियल हब वन प्लेस आएगा, जो एरिया के लिए एक मेजर बूम हो सकता है। पुणे मेट्रो का काम जोर शोर से चल रहा है और मेट्रो लाइन 3 मार्च 2025 तक शुरू हो सकती है। प्रोजेक्ट के पास बानेर गांव और बानेर क्लोजेस्ट मेट्रो स्टेशन होंगे। लोकल रेजिडेंट्स की माने तो बनेर एरिया में लोगों को अक्सर वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वी होप कि ये आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, साथ ही एमबीटीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैमरा पर्सन संजय के साथ मैं हूं शिप्रा। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।